प्रतापगढ़ में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के काफिले का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में मंत्री घायल हो गए। उपचार के दौरान उन्हें प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां करीब एक घंटे के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी संजीव रंजन के अलावा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार भी जिला हॉस्पिटल पहुंचकर मंत्री जी का हाल चाल जानने पहुंचे। बताया जा रहा है कि हादसा प्रतापगढ़ के रायबरेली बॉर्डर पर हुआ था। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आज प्रतापगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, जहां उनके काफिले का एक्सीडेंट प्रतापगढ़ और रायबरेली बॉर्डर पर हो गया। इस हादसे में मंत्री जी घायल हो गए। मंत्री ने बताया कि एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके पैर में चोट आई है। वही मंत्री जी का उपचार करने वाले डॉक्टर मनोज खत्री ने बताया कि उनके दाहिने पैर में चोट आई है। उनका एक्सरे कराया गया है, जिसमें न्यू जॉइंट में दिक्कत होने की वजह से हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच पड़ताल किया गया। अब वह पूरी तरीके से स्वस्थ है। माननीय मंत्री जी को दाहिने घुटने में मामूली चोट आई हुई थी, जिसमें खरोच टाइप की और थोड़ी सूजन थी। उनका एक्सरे कराया गया, जो कि सामान्य था, थोड़ा मस्कुलर टियर था उसके लिए, उसमें जो है क्या नाम है, हड्डी के लिए उसमें नी ज्वाइंट के लिए रेस्ट के एडवाइस किया गया। उसी के साथ साथ रूटीन टेस्ट किया गया, जिसमें कि क्या नाम, उनका थोड़ा सा बीपी बढ़ा था, 170/100 था। उन्होंने बताया कि हम हार्ट के पेशेंट और एंजियोप्लास्टी हो रखी है 7-8 साल पहले, और आज बीपी की दवा नहीं खाए हैं, तो हमने कहा कि बीपी की दवा खा लीजिए, थोड़ा रेस्ट करिए। अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि सब हम लोगों को जल्दी जल्दी में आए हैं, तो हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी। मंत्री जी एकदम ठीक ठाक है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बातें नहीं थी, कोई फ्रैक्चर नहीं था, कोई ऐसी चीजें नहीं थी। एक्सीडेंट के दौरान उनका बीपी भी बढ़ गया था और उनका उपचार भी किया गया। करीब एक घंटे के उपचार के बाद मंत्री जी को डिस्चार्ज कर दिया गया और वह अपने कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। सी न्यूज़ के लिए अंकुर कुमारिया की रिपोर्ट।